साउथ मोटाक का निधन 25 अगस्त को हुआ था। वो एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक के अलावा एक गीतकार भी थे। कुछ फिल्मों की कहानी भी उन्होंने लिखी थी। आज उनसे जुड़ी कुछ ऐसी घटना के बारे में आपसे जिक्र करने वाला हूँ जो कि काफी दिलचस्प है। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड चैनल। सावन कुमार टाक एक ऐसा नाम जिसे सुनते साथ ही लोगों को पता चल जाता था कि इनकी फिल्मों का नाम एस से शुरू होता है। उनकी फिल्मों में अधिकतर फिल्मों में म्यूजिक उषा खन्ना का होता था। बाद में उन्होंने उषा खन्ना के असिस्टेंट महेश किशोर को भी काम दिया था। सावन कुमार टाक ने 1978 में एक फिल्म बनाई थी साजन मीना सुहागन। इसके बनने की कहानी भी दिलचस्प है। साजन मीना सुहागन में राजेंद्र कुमार और नूतन थे। नूतन और राजेंद्र कुमार अपने समय में बहुत हिट एक्टर थे। नूतन जहां अच्छी और साफ सुथरी फिल्मों में काम करती थी, वहीं राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाता था। ऐसा था कि राजेंद्र कुमार की कोई फिल्म रिलीज होती थी तो जुबली हिट होती थी। लेकिन 70 का दौर आते आते राजेंद्र कुमार और नूतन थोड़ा कैरेक्टर रोल प्ले करने लगे, क्योंकि अब नए लोगों की एंट्री शुरू हो चुकी थी, एक्शन का दौर भी शुरू हो चुका था। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार और नूतन दोनों के पास फिल्में कम थी और ये लोग किसी किसी फिल्म में ही नजर आया करते थे। लेकिन नूतन और राजेंद्र कुमार ने किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया था। सावन कुमार टाक के पास एक स्टोरी थी। उस स्टोरी में उन्होंने नूतन और राजेंद्र कुमार को लेना चाहा, क्योंकि उन्हें लगा था कि नूतन और राजेंद्र कुमार की पेयरिंग सिल्वर स्क्रीन पर काफी अच्छी लगेगी और लोग इसे पसंद भी करेंगे, क्योंकि इसके पहले नूतन और राजेंद्र कुमार किसी फिल्म में एक दूसरे का अपोजिट थे नहीं। ये आइडिया उनके दिमाग में आते ही उन्होंने राजेंद्र कुमार से मिलने की सोची और राजेंद्र कुमार के घर गए। राजेंद्र कुमार की पत्नी ने उनसे कहा कि राजेंद्र कुमार साहब अपने एक मित्र के साथ बात कर रहे हैं। सावन कुमार टाक ने कहा ठीक है, फिर भी मैं उनसे मिलना चाहूंगा, काफी जरूरी काम है। और जब सावन कुमार टाक राजेंद्र कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां राजकपूर साहब भी बैठे हुए हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं। यह देखकर सावन कुमार टाक को काफी अच्छा लगा कि चलो राज साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने राजेंद्र कुमार को थोड़ी बहुत स्टोरी बताई और 1100 रुपए साइनिंग अमाउंट के रूप में दिए। सावन कुमार के इस गेस्चर को देखकर राज कपूर काफी खुश हुए। उन्होंने सावन कुमार का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि राजेंद्र कुमार मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने भी उन्हें कोई फिल्म ऑफर नहीं की और ऐसे समय में तुमने राजेंद्र कुमार को याद किया, ये काफी अच्छी बात है, मौका अच्छा था। सावन कुमार टाक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए राज कपूर साहब से ये कहा कि ठीक है सर, मेरी फिल्म का जब मुहूर्त होगा तो आप क्लैप देने आ जाइए, आप एक गेस्ट के रूप में रहेंगे। राज कपूर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर आपकी फिल्म गोल्डन जुबली हिट होती है तो उस मौके पर LP रिलीज करना मैं आ जाऊंगा। सावन कुमार को थोड़ा सा बुरा भी लगा, थोड़ा सा मायूसी भी हुई, क्योंकि वह चाह रहे थे कि अगर राज कपूर साहब उनके मुहूर्त में आते तो उनकी फिल्म की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती। खैर कोई बात नहीं, फिल्म बनी। फिल्म एक सामाजिक फिल्म थी और एक पारिवारिक फिल्म थी, इसे लोगों ने काफी पसंद किया, इसमें मैसेज काफी अच्छा था और राजेंद्र कुमार और नूतन दोनों का काम सुंदर था। पद्मनी कलोपुरे इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही थी। फिल्म गोल्डन जुबली हिट रहे थे, इसे गाने काफी हिट हुए और जब गोल्डन जुबली सेरेमनी आया, जब उन पर एक फंक्शन किया गया तो सावन कुमार टाक ने राज कपूर को याद किया, राज कपूर साहब आए और उस वक्त उन्होंने इस फिल्म के LP को जारी किया, रिलीज किया और अपना वादा पूरा किया। तो दोस्तों ये कहानी थी राज कपूर और सावन कुमार टाक से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई। स्टोरी अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके ये बताएं कि सावन कुमार की फिल्म अगर आपने देखी है तो कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।